Hi, my name is Diksha Dhami and you are watching me on Bazooka. कह रहे बाबूजी, अगर हमने शादी रेवा जी से नहीं हुई ना तो अपनी जान ले लेंगे हम। बाबूजी, अब कह रहे हमारी शादी रेवा जी से करा दो, हम करते नहीं है किसी से और बहुत से तो बिल्कुल भी नहीं, हम जान ले लेंगे अपनी। थैंक यू। तो फिर एक बार और मुझे बता चुके रेवा की लाइफ में, रेवा क्या कहना चाहोगे? रेवा की लाइफ में मुसीबतें तो डे वन से आ रही हैं, बट पहले वो मुसीबतों को थोड़ा स्ट्रांगली हैंडल कर देती थी, बट जब से उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ओवर आया, जैसे कि जो हमारी ऑडियंस है जो फॉलो कर रही है मिलके भी हम ना मिले, बट नाउ अभी उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो शी लाइक थोड़ा सा वो सहम जाती है, क्योंकि जो भी ट्रॉमा वो मतलब जिस ट्रॉमा से वो गुजर चुकी है तो वो अभी थोड़ा सा डर जाती है बोलूँगी, क्योंकि ऊपर से पहुँच भी ऐसी जगह गई है जहाँ पर सारे लोग इतने डेंजरस हैं, इतने अजीब से हैं कि कुछ गलती करो तो कोयले में डाल देंगे, मार डालेंगे, खा जाएंगे काइंड ऑफ पर्सन। तो हाँ, अभी मुसीबत आ गई है तो रेवा थोड़ी डरी हुई है, बट इसी बीच राघव उसे बचाने आ जाता है, तो अभी आगे देखते हैं कि बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। well, अभी हमने सीन में भी देखा कि जिस तरीके से आपके लिए उन्होंने बात की, इट्स वेरी शॉकिंग। नहीं, पता तो था कि इससे शादी करना चाहता है और वो डे वन से उससे शादी करना चाहता है, तो उसको अवॉइड कर रही थी, एंटरटेन नहीं कर रही थी, बट अभी सब पूरी फैमिली के सामने इस तरीके से बोल देगा कि मुझे रेवा से ही शादी करनी है, ये बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि उसको लगता है कि राघव ऐसे ही है, मन चला सा है, ठीक है, अच्छी लग गई, बोल दिया, या यू नो कि ठीक है, बट इतना ऐसे श्योर नहीं है कि हाँ भाई ही विल टेक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, तो ऑफकोर्स बहुत शॉकिंग है, तो वो अभी आगे चल के पता चलेगा इस शॉकिंग रिएक्शन का क्या, इस एक्शन का क्या रिएक्शन निकलता है। यस, रेवा बहुत डर गई है, बिकॉज मुझे लगता है एज अ रेवा उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि हाथ काट लिया और पूरी फैमिली को, यू नो ही इज़ लाइक कि मुझे शादी करनी है, अगर नहीं माने तो आई विल किल माई सेल्फ,
तो वो उसे भी अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए शॉकिंग भी है और डेंजरस भी है ये बात कि यार ये क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो खुद शादी का भी उसका कोई प्लान नहीं है क्योंकि उसको रहना इस घर में पड़ेगा, यू नो। तो उसके लिए दोनों चीज़ डेंजरस है। फैमिली वाले मान गए इट्स डेंजरस ओनली, एंड राघव बोल रहा है वो भी डेंजरस है। सो वो बोलते हैं ना, इधर कुआं इधर खाई, वो वाली बात है। यार देखो, एक्चुअली ये तो अभी हमें भी नहीं पता है, बट जिस हिसाब से हम स्क्रीन प्ले अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसका स्क्रीन प्ले हमें मिलता है, तो इसमें तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो आपको मिलके भी हम ना मिले देखने के बाद ही पता चलेंगी। बट येस, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली चीज़ें अभी आने वाली हैं, जिसके बारे में मतलब यू नो शूट करने में हमें भी खुद मज़ा आने वाला है। तो उस टाइप का कुछ सीक्वेंस आने वाला है। यार फैंस के लिए तो जितना बोलूँ उतना कम है गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जब से अभी राघव और रेवा की स्टोरी स्टार्ट हुई है, तब से तो फैंस ने मतलब यू नो कि हमारे एडिट्स करके, जो आई नो आप लोग को हमारे रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो पूरा हमारा ड्राफ्ट फिल हो जाता है इससे रोमांटिक, आप लोग जो एडिट्स करके डालते हो। तो जिस जगह पे अभी हम शूट कर रहे हैं उतना नेटवर्क का है नहीं प्रोसेस उतना, बट जितना हो पाता है मैं रिपोस्ट करती हूँ और आप लोग को रिप्लाई भी करती हूँ। बट थैंक यू गाइज इतना प्यार देने के लिए। हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी शो को बहुत पसंद कीजिए। एंड या थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।